आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए हमारे इस प्रोग्राम यानी कि सीरियल स्यापा को लेकर। तो दोस्तों आज इस प्रोग्राम के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति एक बेहद ही स्पेशल एपिसोड को लेकर आई हूँ। इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे टीवीपुर के एक बेहद ही रोमांचक धारावाहिक के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे हम लव स्टोरी ड्रामा और साथ साथ में इस कहानी के बारे में जिसने लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया है। कलर चैनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल तू आशिकी की हम बात करें। आप भी जानते हैं इस शो में पंक्ति और आहान की कहानी दिखाई जा रही है। शुरू से ही पंक्ति से प्यार करने वाला आहान जो एक सिंगर है वो काफी ज्यादा उस पर फिदा है, लेकिन पंक्ति को आहान से मिलने के लिए कई विलन्स इस शो में अब तक एंट्री कर चुके हैं। वाल इन दोनों का मिलन अब तक नहीं हो पाया है जिसका इंतजार सभी को है, लेकिन पहले की रिपोर्ट में यानी कि पहली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अब तक यानी कि लेटेस्ट टेलीकास्ट एपिसोड्स में क्या क्या दिखाया गया है। अगर आपने अपडेट मिस किया है, अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है देखने का कि सीरियल तू आशिकी में आपने पंक्ति और आहान की कहानी में वो ड्रामा नहीं देखा है तो फिर कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हम पहली रिपोर्ट में आपको टेलीकास्ट एपिसोड से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, उस ड्रामा से जुड़ी खास खबरें देने वाले हैं जो लेटेस्ट टेलीकास्ट अपडेट से जुड़ी हुई है। साथ में आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे शो में आगे क्या नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अपकमिंग अपडेट को लेकर साथ साथ में हम आप सभी को दिखाएंगे शो में नए ड्रामा को लेकर क्या नया होने वाला है। वेल आज है सोमवार और सोमवार के दिन तू आशिकी में क्या नया ड्रामा आपको देखने को मिलेगा ये भी आप हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट। तो पहले शुरुआत करते इस प्रोग्राम की और पहली रिपोर्ट में जाते हैं सीरियल तू आशिकी में अब तक क्या दिखाया गया है जो कि आहान और पंक्ति की कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की तरफ इशारा करता है। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल धारावाहिक जी हाँ तू आशिकी की हम बात कर रहे हैं जिसमें इन दिनों काफी कुछ नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। आप सभी के शो के अपकमिंग ट्रैक में भी काफी कुछ दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये जानते हैं कि इस शो में आहान और पंक्ति की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, वाल अगर नहीं जानते तो आपको बता दे अपकमिंग ट्रैक में और क्या नया आप सभी को देखने को मिलने वाला है। दरअसल अब तक आपने देखा कि पंक्ति और आहान को दूर करने वाले विलन के शो में तो कमी नहीं थी, लेकिन अब एक और नए विलन की शो में एंट्री हो सकती है इसे लेकर दिलचस्प खबर आ चुकी है। वह नई अपडेट है महासंग्राम को लेकर जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। जी हाँ, शो में आपको आहान पंक्ति की जिंदगी में एक और नए दिलचस्प मोड़ को एंट्री लेते हुए दिखाया जाएगा। वह दिखाया जाएगा कि शो में एक और नई एंट्री होने वाली है और ये कोई और नहीं बल्कि टीवीपुर के फेमस एक्टर राकेश बावत है जिन्होंने इससे पहले शो रजनीकांत में खूब ज्यादा एंटरटेन किया लोगों को। बहु हमारी रजनीकांत के बारे में आप जानते होंगे जिसमें लीड अवतार में नजर आए थे राकेश। और तो और आप सभी को हम बता दे इस शो में काफी कुछ नया करने के बाद नजर आएंगे वो शो तू आशिकी में जिसमें वो नजर आएंगे आहान और पंक्ति की कहानी में नया ट्विस्ट लाते हुए। इसे लेकर उन्होंने हाल ही में एक बेहद ही खूबसूरत इंटरव्यू भी दी। उन्होंने बताया आई लाइक इट व्हेन इट्स शॉर्ट एंड स्वीट, इट डजंट बिकम मोनोटोनस एंड बोरिंग। आई लाइक टॉकिंग अप रोल्स which bring up the best in a compact way. I don't believe in the length of a character. It is has to be challenging. Well, आपको बता दें ऐसा कहना है उनका जो काफी challenging अवतार होगा उनका, देखना होगा दिलचस्प कितना ज्यादा अवतार उनका दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको इसी के साथ बता दें आहान और पंक्ति की कहानी में और भी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को अपकमिंग ट्रैक का। तो दोस्तों सीरियल तू आशिकी जो टॉप 10 सीरियल्स में अपनी जगह बना चुका है इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग के मुकाबले में। जी हाँ, टीआरपी रेटिंग की कंपटीशन में इस बार भी नाम जारी है सीरियल तू आशिकी का जो लंबे समय से तो नहीं लेकिन कुछ महीनों में ही इस शो ने कलर चैनल पर अपनी जगह बनानी, घर घर पर अपनी पहचान बना ली। जी हाँ, बात करें हम इस शो में लीड किरदार निभाने वाले ऋतिक और साथ साथ में पंक्ति के किरदार में नजर आने वाली जन्नत जुबैर के बारे में।
आप जानते हैं जन्नत को पहले भी टीवीपुर में देखा गया है लेकिन बाल किरदार के तौर पर। अब वो सीरियल तू आशिकी में एक बाल किरदार नहीं बल्कि लीड भूमिका के तौर पर एक यंग गर्ल के तौर पर नजर आती है और उनकी इस मासूम अदाओं को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। गौर हो इस सीरियल में जन्नत की किसिंग सीन को लेकर, जी हाँ पंक्ति की किसिंग सीन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। सेट पर जन्नत की माँ तक पहुंच गई थी मेकर से बहस करने के लिए इस सीन की रुकावट में अपनी तरफ से कदम बढ़ाने के लिए। नहीं चाहती थी वो कि जन्नत इस उम्र में इस तरह के सीन्स करे, जिसके बाद आखिरकार मेकर्स को मानना ही पड़ा हार और आखिरकार जन्नत यानी कि पंकित के फैंस के लिए आई खुशखबरी। शो नहीं छोड़ती हैं जन्नत और फिर आगे बढ़कर उन्होंने दिया एक और नया सरप्राइज। वेल शो में पंकित और अहान के बीच काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। साथ में अपकमिंग ट्रैक में जो नए विलेन की एंट्री हुई है उससे जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प खबर आ चुकी है। तो देर किस बात की, आज रात से लेकर अगले दिन क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है उससे जुड़ी खास खबर आप सभी के लिए हमारे इस लेटेस्ट अपडेट्स में। Well, आज इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसके बारे में सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन दिलचस्प बेहद ही मजेदार बात तो ये है कि जिस सीरियल की हम बात करें वो कलर चैनल पर लॉन्गेस्ट रनिंग शो बनने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल तू आशिकी सीरियल में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस सीरियल में आप सभी देख पाएंगे कि आने वाले दिनों में ये शो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं शो में काफी कुछ नया इंटरेस्टिंग दिखाया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें हम इस शो में और क्या क्या दिलचस्प होने वाला है। दरअसल शो के आने वाले अपकमिंग ट्रैक को लेकर कुछ और बड़े बदलाव किए गए हैं। अहान पंक्ति को फिर से आप दूर होते देखेंगे, दोनों की दूरी और भी ज्यादा बढ़ेगी। लंदन में जिस महासंग्राम की शूटिंग जारी है वहां पर और भी ज्यादा मजेदार सिक्वेंस मिलाए जाएंगे। जी हाँ फिल्माए जाएंगे वो सिक्वेंस जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की होगी। वाले शो में रेयांश और दीवान के नाम के किरदार में एक और नई एंट्री होने वाली है। रेयांश दीवान के नाम से जिस एक्टर की एंट्री होने वाली है उसके बारे में हमने आपको बताया है। जी हाँ राकेश बापट इस शो में एंट्री करेंगे जो अहान और पंक्ति के बीच आएंगे, लेकिन किस वजह से और क्या होगी इसके पीछे की वजह इसके बारे में जानने के लिए आपको अगले अपडेट का करना पड़ेगा इंतजार। अब रेयांश की एंट्री अहान और पंक्ति की जिंदगी में किस तरह से होगी, कौन होगा रेयांश और क्या इस किरदार का होगा अवतार, इस किरदार के लिए क्या कहानी लिखी गई है, शो के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप देख पाएंगे जिसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार अपकमिंग ट्रैक का। साथ में आपको ये बताते चले ये शो इतना ज्यादा इंटरटेनिंग होता जा रहा है कि टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 पर अपनी जगह बना चुका है। इसी वजह से दर्शक इसे काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी टॉप 5 की लिस्ट से ये शो बाहर है। ऐसे में हमें देखना होगा कि शो में अब रेयांश के किरदार की एंट्री किस तरह और भी ज्यादा मजेदार बनाती है अहान और पंक्ति की कहानी को, जिसमें रेयांश एक विलन बनेगा या फिर हीरो, ये देखना होगा अपकमिंग ट्रैक में, जिसे लेकर कोई भी सस्पेंस का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रिपोर्ट। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम सीरियल स्यापा, जिसमें हमने आपको बताया सीरियल की दुनिया में स्यापे से भरपूर, ड्रामे से भरपूर, लव स्टोरी, रिवेंज और हिट ड्रामा से भरपूर शो तू आशिकी के बारे में। कलर्स चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो में तू आशिकी का नाम चर्चाओं में टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा रहा है और ये शो अपने इंटरेस्टिंग ट्रैक के साथ एंटरटेनमेंट बनाए रखने के लिए, दर्शकों के दिल में जगह बनाए के लिए एकाएक नई नई कोशिशें कर रहा है। देखना होगा कि अहान और पंक्ति की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। जी हाँ अहान और पंक्ति की लव स्टोरी कितनी ज्यादा दिलचस्प होती है। साथ में देखना होगा कि अहान और पंक्ति को जब एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया जाएगा तो शो के विलन्स का क्या रिएक्शन होगा। तो करते हैं इंतजार ये जानने का कि अहान और पंक्ति की जिंदगी में नई खुशियां कब किस तरह से आती हैं और अगले अपडेट में कौन सा नया टर्न आएगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। तो दोस्तों अब इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत, फिर लौटेंगे आप सभी के बीच इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।